हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैं जा रही हूँ घास को, सुबह का टाइम है और काउसेड का काम ख़त्म करके। तो आज है छुट्टी बच्चों को और बच्चे बनाते रहेंगे खाना, तो मैं जा रही हूँ घास लाने खेत में। ये मेरे पास रस्सी और दराटी और ग्लव्स है, तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। और अभी भी डर लगता है आने जाने से, ऐसा लगता है कि कब जैसे यहाँ से ज़मीन खिसक जाएगी। तो डर, जिसका डर था वो ऐसे ही रह गया, और जिसका हमने सोचा भी नहीं था वो हमारा खेत गया यहाँ से। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से अलग हो गया है, ये देखिए इसमें थी दरार। इसको सोचते थे हम कि ये जाएगा यहाँ से ऐसे, ये अलग ही है यहाँ पे। तो ये वाला तो अभी बचा ही है, और सामने ऊपर ताए ससुर जी के घर है, इनकी किचन बिल्कुल ढाक के ऊपर है, और यहाँ से हमारे खेत है, ये देखिए। और यहाँ पे भी दो तीन खेत हुआ करते थे, अब डर लगता है यहाँ पे जाने से भी। यहाँ पे तो हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ से जाएगा, और देखिए क्या हाल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन चार खेत हुआ करते थे हमारे, और इसमें भी दरार आ गई है नीचे रास्ते में भी। तो अब साइड साइड से डर लगता है यहाँ पे। उस दिन बारिश भी नहीं थी जिस दिन ये गिरा था, और ये देखिए नीचे सड़क, तो क्या हाल हो गए यहाँ पे। यहाँ की वीडियो मैंने आपके साथ भी पहले शेयर करी है, और अब जब यहाँ पे खेत में भी आया करेंगे तब भी डर लगा करेगा। वो चला गया है नीचे, और नीचे घरों को भी खतरा था। ये बड़े बड़े पत्थर नीचे पेड़ तोड़ करके भी वो चले गए हैं नीचे। तो बहुत डर लगता है अब यहाँ पे आने से भी, और हमारे घर के लिए भी खतरा है। जैसे बड़े बड़े पत्थर नीचे गए, ऐसे तो हमारे यहाँ पे पक्के पहाड़ है, पर जैसे नीचे से सड़क निकाली और धरती हिल जाती है, और ऐसे भी यहाँ पे ढांक थे, तो फिर ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे ये लगता गया, पत्थर निकलते गए, और फिर ये देखिए क्या हो गया। तो अब यहाँ से जाता था रास्ता नीचे को, और यहाँ पे रास्ते में भी दरारें आ गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा अभी घास के ऊपर से, यहाँ पे घास काटना पड़ेगा। ये देखिए ये था यहाँ पे रास्ता ऊपर को, और जब इसकी सफाई करी सड़क की तो 3 दिन लगे सफाई करते करते भी, और अभी भी डर है यहाँ से नीचे जाने का, और डर लगता है अब नीचे यहाँ से जाते हुए। और देखिए इसमें भी दरार पड़ गई है रास्ते में भी, और ये पार वाला, इसका भी जाने का डर है। तो ज्यादा डर इसका था जो ये पार वाला है, इसको सोचा था हमने कि ये जाएगा, तो नुकसान भी हुआ और डर भी लगता है अब। यहाँ पे अभी और दरारे हैं नीचे, और जाने का डर है। ये देखिए पार भी आते ही रहेंगे थोड़े थोड़े पत्थर, और ये पार वाला हिस्सा भी अलग ही हो गया है।
बड़े बुरे हाल हो गए यहाँ पे। अभी इस वाले खेत को भी खतरा हो गया है यहाँ पे। और सीढ़ी के रास्ते में नीचे दरार आ रहे हैं, तो कहाँ से हम खेत को जाएंगे और कैसे जाएंगे, क्या होगा, भगवान जी ही जाने। यहाँ पे भी ऐसा ही खतरा है। अब खेतों में आने से भी डर लगता है, और इतने दिन बाद आ रहे हैं उतने को हमारे खेत भी खराब हो गए यहाँ पे। और ये लगे हैं यहाँ पे अनारदाना। तो हमने यहाँ पे खेतों की सफाई करनी थी, जैसे मक्की के बीज में खरपतवार होता है, तो यहाँ पे ये ढल गया और फिर हम खेत में भी नहीं आ पाए। आज बड़ी हिम्मत करके आए हैं खेत में इतने दिनों बाद, तो क्या करें। रोपण सही नहीं, तो इतना पालना चाहे आगे करे ऐसा है ना। आप बोलना कुछ नहीं, बोलना क्या, इतने दिन राखी है चली दूजी वीडियो को बांध डालिया पर तोड़ने दाड़ू।
अच्छा यार इन को देऊंगी से पर ले आओगी स्कूल के बाद देखने ले आओगी चप्पू अच्छा अच्छा हम बोलूंगी ये तो पारी लगी छोड़ देने अच्छा तो सप्पू को लेकर के हम आ गए थे घर। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई और सप्पू वहाँ से नहीं आना चाहती थी, वो वहीं पे रहना चाहती थी और आधे रास्ते से भाग गई थी। फिर प्रिंस ने भी रो के बड़े बुरे हाल किए, इसको लग रहा था डर। यहाँ पे बैठा है प्रिंस भी, लग रहा था ना डर, लग रहा था ना डर। ये शर्मिल्ला बहुत है। तो फिर हम चाची जी को आना पड़ा यहाँ पे छोड़ने सप्पू को, और ये बार बार उन्हीं के घर को भाग रही थी। पर फिर क्या करें, उनके पास भी दो गाय है बड़ी बड़ी, तो फिर इसलिए हम इसको ले आए थे यहाँ पे। इतना टाइम भी देखा उन्होंने, उसको भी मैं उनके एहसान को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इतना घास खाता है पशु, फीड कितना होता है, जो पशु पालती है मेरी माताएं बहनें उनको सबको पता है। तो इतना कोई नहीं करता जितना चाची जी ने किया मेरा। और अब मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ और आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राम राम। बोलो आगे कुछ। जय माता दी करो। नमस्ते नहीं करनी छबी को? यहाँ से सभी को नमस्ते। अच्छा आज कहाँ जाना हमने? भट्टी को जाना। भट्टी को कहाँ है? भट्टी कहाँ है? भट्टी गाँव में। किसने बनानी वहाँ पे सब्जी? किसने बनानी? कौन गए हैं वहाँ पे सब्जियाँ बनाने? तो राम राम। जय माता दी।